क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तो वो सिद्धा लोग ठीक बोलता है ना, तो गुरु ग्रंथ साहब उधर रखा है, इधर गुरु ग्रंथ साहब रखा है, इधर गुरु बैठा है, तो वो गुरु का अंगूठा धो के पीता है, पांव धो के पीता है, तो उन लोगों को गुस्सा लगेगा। आज जब ये हमारा ग्रंथ साहब है तो तू जी बा में अपनी पूजा करा के क्यों पांव धो के तू क्यों पीता है लोग तुम्हारा, वो राइट बोलता है या रंग बोलता है। जब ग्रंथ वो ग्रंथ मानते हैं, वो किसी देवधारी को नहीं मानते हैं, तो राइट है ना, एक एक गुरु मानते हैं ना। वो लोग जो है दूसरे लोग वो बाजू में ग्रंथ है और ये इधर बैठा है, तो अपना पांव धुला के और सबको पिलाता है, हार चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, तो उन लोगों को गुस्सा आएगा। तो जब ही कलयुग में हमको गुरु ग्रंथ साहब को मानने का है, तो जे ये गुरु है तो तुम्हें ग्रंथ क्यों रखा है, ये मैं भगवान हूँ, मैं निजी आत्मा हूँ, तो ग्रंथ रखने का मेरे को बाजू में क्या मतलब है, वो मंदिर में ग्रंथ क्यों रखते हैं। हरे कृष्ण की मूर्ति रखेगा, हरे कृष्ण की मूर्ति रखेगा, हरे शिव की मूर्ति रखेगा। अभी वो लोग आपस में ये बात सोची है तो ये लोग गलत काम करते हैं। जब एक आदमी की इज्जत होती है तो दूसरे की इज्जत क्यों होती है। एक ही एक जब एक साला एक के गुणगान ना, एक ही है ना निराकार ज्योति। या ग्रंथ कोई गुरु मान, ये देव दे वाला तुमको गुरु मिला है तो ग्रंथ क्यों रखता है। हमने थोड़ी कोई पुस्तक रखा अपने घर, हमारे सारे घर में कोई पुस्तक नहीं है, तो वो राइट है ना जो बोलते हैं। तो ग्रंथ साहब तुम रखते हैं, अर्थ पूरा करते नहीं है, महिमा उसकी करते नहीं है, बात उसकी करते नहीं है, तू अपनी पूजा क्यों कराते है, बोलो। अब सिद्धा लोग पूजा तो अपनी नहीं कराते है ना, ग्रंथ की पूजा करते है ना, ग्रंथ को ही सब कुछ मानते है ना, मानने दो ना। पर दो को तो नहीं मानते है ना, एक ग्रंथ एक देहधारी। अब बोलो तो तुम पहले समझेगा, तो ये तो झगड़ालू आदमी है, अभी उसको झगड़ा करना चाहिए या नहीं। तो ये लोग जब ही हाजिर भगवान बैठा है तो ग्रंथ की कोई बात नहीं, गीता की कोई बात नहीं। तुमको आज के गुरु में कितना फेथ होना चाहिए।